नमस्कार, मैं माधवी चौधरी और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। डीसी बदले कई वीडियो, विधायक और मुखिया बदले, लेकिन नहीं बदली तो जारंगडी उत्तरी पंचायत सचिवालय की तकदीर। बता दें कि यह मामला बेरमो प्रखंड के अंतर्गत जारंगडी उत्तरी पंचायत का है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जिले के अधिकारियों की उपेक्षात्मक नीति के कारण बीते 10 वर्षों से अब तक पंचायत सचिवालय नहीं सौंपा गया है। वहीं हमारे बोकारो संवाददाता दिनेश पांडे से जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। हाँ माधवी, आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से आप जो जारंगडी, ये जो सचिवालय जो है ये जारंगडी में पड़ता है, जो बेरमो अनुमंडल का है। अब सवाल यह था कि बेरमो अनुमंडल के जारंगडी में जो बन रहे थे ये उत्तरी पंचायत के लिए जो पंचायत सचिवालय, और आज भी इसके काम जो है कुछ अधूरे हैं, और ये कहा जा सकता है कि 10 वर्षों से बन रहे काम कछुए की गति से चल रहा है। और न केवल यह कार्य कछुए की गति से चल रहा है बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों की उपेक्षा के भेंट चढ़ गए हैं, और लिहाजा कई बार जो है अधिकारियों को ध्यान यहाँ आकर्षित कराया गया, कई जनप्रतिनिधियों, कई विधायकों से भी इस मामले को कहा गया और उस पर कार्रवाई की बात कही गई, लेकिन आज तक नतीजा जो सिफर निकलते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात विडम्बना तो यह है कि आज तक जिसे कार्य रूप में हो जाना चाहिए था, आज तक जो है वो कार्य रूप में नहीं आया। आज तक वह पंचायत सचिवालय जो है लापरवाहियों का भेंट चढ़ते रहा। अब सवाल है कि कई डीसी बदले, कई अधिकारी बदल गए, कई विधायक बदले, और कई जनप्रतिनिधि जो पंचायत स्तरीय त्रिस्तरीय पंचायत समिति कमेटी पंचायत कमेटी के जो लोग होते हैं, जो उसके जो मेंबर होते हैं, वो तमाम चीज़ें बदलने के बावजूद और तमाम लोगों के बदलने के बाद भी आज तक उन पंचायत के जो सचिवालय हैं उनकी दशा में कोई सुधार नहीं आया। लिहाजा लोग जो हैं आज भी उस आँखों से इसे देख रहे हैं कि क्या अब जो है अभी भी वक्त है, या फिर अब पंचायत प्रतिनिधियों को या फिर आम लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो है जिस तरीके से ये सरकार जो है डिजिटल की बात करता है, डिजिटल लेन देन की बात की जाती है, डिजिटल व्यवस्थाओं की बात की जाती है, लेकिन ये तमाम जो सपने जो है पंचायत वासियों का तार तार होते दिख रहे हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।